तो गाइस ये प्लीज मत करो, स्पावर को जाके एक बार पूछ लेना। अगर आप ये वर्ड तब यूज करो अगर ब्लाइंड वाले ये वर्ड्स बोलते कि हाँ गॉडलाइक ने कुछ किया है और गॉडलाइक की वजह से ब्लाइंड छोड़ा है, देन वो आप बोल रहे हो वो एग्री। बट अगर वो कहीं और छोड़ के अगर फ्री एजेंट को हम लोग लेते तो उसको प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलना जो आपका ज्ञान होता है ना चैट में, क्योंकि ये वर्ड्स हम बहुत बार सुने, इससे पहले भी दो तीन बार आपने सेम हरकतें करी, तो प्लीज अभी मत करना है चीज। अगर आपको ब्लाइंड वाले बोलते हैं ना कि हाँ गॉड लाइक ने उसको ये किया, अप्रोच किया, पूछ लिया, पूछ किया, ये किया, भाई हमको बिंदास भर दो। बट दिस टाइम और इससे पहले भी जो भी हुआ है कुछ कुछ भी नहीं है भाई, बस वही हम लोग आके बोलते नहीं है। और अभी तो पावर ही बता देगा वो फ्री था या कॉन्ट्रैक्ट में था, वो आप उससे पूछ लो, वो आके बोल देगा तो आप स्पावरी ज्यादा क्लियर करेगा, सिंपल है। बटे प्लीज प्यार बांटो बे, मेरे को एक बात बताओ, स्पावर कितने दिन से था गॉड लाइफ में बताओ एक चीज, कब से था याद है? 2 साल से। अगर आप लोग ये बोल रहे हो ना वो 16 का होके किसी और ऑर्ग से खेला, बट वो गॉड लाइक में लास्ट 2 ईयर्स से था, 14 से 15, 15 से 16, 2 साल हमने किसके लिए स्पावर को क्यों रखा था बताओ? वो अंडर एज था फिर भी स्पावर को क्यों रखा था? एक ही रीजन था कि वो जब एज होगा उसका बड़ा होगा तो वो गॉड लाइक से खेलेगा, सिंपल है। बीच में वॉट ओवर जो भी हुआ होगा उस पावर लेफ्ट किया, फिर उधर से भी उसका जो भी हुआ होगा वो लेफ्ट हुआ, फिर से गॉड लाइक में आ गया, दैट्स इट, इतना ही है।